हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो फाइनली अभी हम जा रहे हैं घर। किचन पूरा मैंने समेट दिया है, पूरे घर की साफ़ सफाई भी अच्छे से कर दी है, पूरे घर में झाड़ू पोछा बढ़िया तरीके से। और अभी जो भी ज़रूरी सी चीज़ें हैं वो भी अभी और भी रह गई थी जो कि रास्ते में गिर सकती थी, ख़राब हो सकती थी, जिसको कि मैं लेके जा रही हूँ। और अभी हम पहुँच गए हैं घर। मैं आप लोगों से बोलना चाहूँगी कि मैं इस घर को तैयार करवाने वाली हूँ प्रॉपर, जैसे कि रहने के लिए होता है वैसे ही। और बस यहाँ पर जो है अभी आप लोग इस घर की हालत देख सकते हो कि फ़िलहाल जो है वो घर ऐसा है ये। और आगे जो भी छोटे से छोटे जो भी चीज़ें होंगी वो मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। और ये घर किस तरीके से बदल जाएगा, किस तरीके से चेंज हो जाएगा, वो सब चीज़ें मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। इसी तरीके से मैंने अपना पहले वाला घर जो है वो भी तैयार करवाया था, बिल्कुल फिट करा दिया था, किसी भी चीज़ की उस घर में भी कमी नहीं थी। अब इस घर के बारे में, क्योंकि घर बनकर के तैयार हो जाए कभी भी अपने घर में जा सकते हैं, त्यौहार हो, कुछ भी हो, रहने के लिए हो, कोई भी आप पर मुसीबत आन पड़े, कभी भी आप अपने घर जा कर के रह सकते हो, तो वो घर बिल्कुल आपका तैयार होना चाहिए। तो एकदम से तो हम नहीं कर सकते हैं, पर थोड़ा 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 करके अपने घर को तैयार कर लेते हैं। अभी हमारे पास में टाइम भी है और वैसा कुछ काम भी नहीं चल रहा है कि हमें वहीं पर रहना है, तो हम यहाँ पर निश्चिंत होकर के रह के अपने घर को तैयार कर सकते हैं। तो अभी मैं यहाँ पर बना रही हूँ खाना, और खाने में सिर्फ मैं दाल मैंने वहीं पे उबाल ली थी, यानी कि मेरठ ही उबाल ली थी, फिर मैंने यहाँ आकर के इसको छोंक लगा दिया है। आटा बना करके भी मैं वहीं से लेकर के आई थी, यहाँ पर सिर्फ मैं रोटी बना रही हूँ। फिलहाल घर की जो हालत है मुझे नहीं पता आप लोग किस तरीके से रिएक्ट करोगे कि कैसी है कैसी नहीं, बट जो इस घर में छोटे छोटे से चेंज होंगे, किस तरीके से ये घर बदलेगा, वो सारी चीज़ें जब आप लोग देखोगे तो मुझे उम्मीद कि आप लोगों को भी बहुत ज़्यादा खुशी होगी। और अभी तक जब मैं इस वीडियो में वॉइस ओवर कर रही हूँ, काफ़ी हद तक जो है मेरा घर बदल चुका है, जो कि आप लोग भी देख करके मुझे उम्मीद है आप लोग खुश होंगे। सब लोगों ने खाना पीना खा लिया है, फिलहाल मैं ही रह रही थी तो मैं भी खाना पीना खाने के लिए बैठ गई हूँ। और अभी सारे बर्तन इकट्ठे कर दिए हैं, सारे बर्तनों को भी साफ़ कर लेते हैं। अभी जो है बर्तन सारे साफ़ हो चुके हैं, और मैंने सारे बर्तन, ये जो पूरा टुकड़ा था वो मैंने पूरा ही साफ़ कर दिया, क्योंकि धूल मिट्टी हो रही थी तो वो ऐसे मन नहीं मानता, तो मैंने पूरे ही जितने भी बर्तन थे सारे साफ़ कर दिए हैं। और फिलहाल मैं भी अपना हाथ मुँह धुल लूँगी, दूध चाय का भी करना है, कपड़े भी बिछाने हैं, कुछ कपड़े जो बिछाने के थे वो मैं लेकर के आई थी। और अभी अपना जो है वो बिस्तरा डाल लेंगे, बैग वैग जो है ना वो मैंने यहाँ पर रख लिए हैं, चटाई डाल के, तकत था इसी पर चटाई डाल दी है मैंने, तो चटाई पर ही गोपाल जी को भी जो है वो मैंने इधर ही बिठा लिया है। फिलहाल के लिए तो यही किया है, आगे का आगे देखेंगे कि किस किस तरीके से चीज़ें होंगी। छोटी छोटी सी चीज़ें बहुत घर में होती रहती हैं, तो वो सब चीज़ें भी आगे आगे आप लोगों के साथ में शेयर करते हैं।
अभी फेस वॉश करके आई हूँ मैं, और अभी मैं ना अपनी स्किन के लिए थोड़ा सा ट्रीटमेंट ले रही हूँ। जल्दी आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी, अगर मुझे फ़ायदा हुआ तो आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी, वरना तो नहीं करूँगी। और ये हमें ना पूरा हमारे यहाँ पर पूरा घर जो है वो नीचे से कच्चा ही है, रात को गीला करके छोड़ना है क्योंकि कल यहाँ पर जो है काम स्टार्ट हो जाएगा। और क्या क्या काम होगा वो तो आप लोग आगे देखोगे ही। तो उन्होंने बोला था कि पूरे रूम में पानी भर के छोड़ देना है ताकि जो ये मिट्टी है वो गीली हो जाए और नरम हो जाए, क्योंकि जब खुदाई होगी तो खोदने में देखिए बहुत डिफ़िकल्टी होती ही है, और अगर गीली मिट्टी होगी तो वो आसानी से खुद जाएगी। तो यहाँ पर जो है वो पानी चला दिया है, और फिलहाल मैं डाल लेती हूँ अपना बिस्तर, और चादर जो थी मैं घर से ही लेकर के आई थी तो वही डाल रही हूँ। तो जब से मेरी शादी हुई है फर्स्ट टाइम मैं आज रात के लिए इस घर में रुकी हूँ, आज तक भी नहीं रुकी, क्योंकि जब कोई यहाँ पर रहता ही नहीं था तो रुकते कैसे। और आज पहली रात, मतलब 11-12 साल में जब से मेरी शादी हुई है तब से पहली रात है जो कि मैं इस घर में बिता रही हूँ। और ये सारी चीज़ें जो है वो घर में होनी स्टार्ट हुई थी, क्योंकि घर बिल्कुल खाली था, कुछ भी ज़रा सी भी इस घर में जो है वो काम नहीं हो रखा। तो कहाँ से स्टार्टिंग की हमने, सबसे पहले हमने कराया पानी की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था कराने के लिए सबमर्सिबल सेविल लगवाया, फिर कराई हमने इस घर में टंकी की व्यवस्था, क्योंकि टंकी चाहिए चाहिए, वॉशरूम में चाहिए, बाथरूम में चाहिए, और एक छोटी सी वॉश बेसिन भी चाहिए, और एक टंकी लगा दी थी हमने चौकी पर, और मतलब एक चौकी बनवाई है उस पर एक टंकी लगवा दी थी। दूसरा काम जो होना था सबसे ज़्यादा ज़रूरी, बिजली। तो बिजली के फिटिंग के लिए मैंने मेरे भैया को बुला लिया था, क्योंकि बाहर से क्यों, मतलब जब अंशुल को आता ही है तो मैंने सोचा चलो उसी को बुला लेती हूँ, वही पूरे घर का जो है बिजली का फिटिंग भी कर देगा। तो यहाँ पर जो है टैंक रखा गया है, और पानी की जितनी भी सेटिंग होनी थी, जितना भी फिटिंग होना था पानी का, वो हो चुका है। और ये जो छोटे छोटे से काम होते हैं ना घर में, बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, और इस चुटपुट में कितना टाइम लग जाता है, कितना वो होता है, वो तो आप लोग अच्छे से समझ ही सकते हो। तो बस यहाँ पर बिजली का काम भी चल रहा है और टंकी की फिटिंग का काम भी चल रहा है। तो अभी जो है टंकी का पूरा फिटिंग हो गया है, और इसको जो है सबमर्सिबल से अटैच भी कर दिया है पूरा ही। तो बस यहाँ पर अभी ना इसको सबमर्सिबल का तार वार सब ऐसे ही है, तो ये सारी सेटिंग भी अभी हमें करानी पड़ेगी क्योंकि ये सेफ़ नहीं है। तो बस फिलहाल तो ये है कि पूरे घर में पानी चालू हो गया है, ये भी बड़ी दिक्कत थी, बिन पानी के कैसे काम हो सकता है। तो सबसे पहला काम हमारा पानी का जो है वो ख़त्म हो गया है, और ये जितने भी काम करने वाले ना गाँव में से ही आए हुए थे, तो ये भी है कि थोड़ा सा सेफ़ भी है, क्योंकि बीमारी जो है, क्योंकि कुछ लोगों ने मुझे कमेंट किए थे कि दीदी बीमारी तो गाँव में भी है। जी हाँ, गाँव में भी है, पर इतना डर नहीं है गाँव में जितना वहाँ पे अकेले रह के लगता था ना, इतना वो नहीं है। थोड़ा सा मतलब जब काम में बिजी रहेंगे, सारी चीज़ें रहेंगी, तो डर भी दूर रहेगा, और मांटू की पढ़ाई भी ठीक ठाक चल रही है। हेलो,
और अभी हाँ नेक्स्ट मॉर्निंग हो चुकी है तो काम चालू हो गया है। ये यहाँ पर ना कोने में लगाए हुए थे जो बची हुई ईंट थी वो, क्योंकि आज ना ये फ्लोर वाला काम होना है वो स्टार्ट हो जाएगा। पानी का हो गया, अब करते हैं फ्लोरिंग का काम। तो यहाँ पर ना ये सारे टूटे कुछ इन्होंने हटाए, फिर कुछ मैंने हटाए। और सबसे ज़्यादा दिमाग ख़राब इसलिए हो रहा था क्योंकि बारिश हो रही थी, तो बारिश में थोड़ा सा किचकिच सी हो रही थी बहुत ज़्यादा ही, तो मुझे बड़ी दिक्कत होती है, मेरे पे इस किचकिच में नहीं रहा जाता है। और बस तो इसको हटा लेते हैं, ये काम करते हैं पहले तो। अभी जो है मिस्त्री भी आ गए हैं और घर की खुदाई और सारे जो भी टोटे थे वो सारे बाहर निकाल दिए हैं। ये सब चीज़ें यहाँ से उठा करके बाहर भी डालने हैं, पर आप लोग देख सकते हो कि बारिश हो रही है तो बारिश में बड़ी दिक्कत हो जाती है ये सब काम करने में। तो बरामदे की भी पूरी मिट्टी जो है वो खोद दी है, ये बिल्कुल लेवल में आ जाएगी, बिल्कुल इकसार हो जाएगी, फिर इस पर जो है वो काम चालू होगा। और अंकल जी और ये दोनों लग करके सारे जो इटरोडे हैं वो डाल रहे हैं बुग्गी में, इनको डाल देंगे कहीं और, क्योंकि बहुत सारा छोटा सा घर है तो थोड़ी सी भी चीज़ें एक्स्ट्रा हो जाती है तो किचकिच सी मच जाती है। और मैं लग गई हूँ अपने कपड़े धुलने में, तो कपड़े जो दुताई मतलब जो ये खेस है ये है, ये बहुत ज़्यादा मिट्टी है, किरकल हो गई थी और किरकल में बहुत जी बुरा होता है, तो बस ये कपड़े एक ही दिन ओढ़े। सुबह के टाइम में हमने देखा कि बहुत सारी मिट्टी मिट्टी सी जो है वो इन पे हो गई है, तो मैंने सोचा चलो सर्फ़ में कोई तो निकालने हैं, वैसे तो ये वॉश ही हो रखे हैं, तो मैंने इनको अच्छे से सर्फ में निकाल दिया है। अभी मैं इनको डाल दूँगी, बारिश तो हो रही है पर ये है कि उम्मीद है कि धूप निकल जाएगी, अगर धूप निकल जाती है तो अच्छा ही है। मुझे हाथ से कपड़े धोने की आदत नहीं है तो थोड़ी सी तो दिक्कत होगी ही हाथ से कपड़े धोने में। और अभी मैंने सुबह के सारे जो बर्तन है वो साफ़ करके ये धो करके अच्छे से इसके ऊपर डाल दिए, और आप लोग देख सकते हो सारे में बहुत ही ज़्यादा जो है वो किचिर किचिर सी मची पड़ी है। तो मैं ये जो चौकी है वो अच्छे से साफ़ कर रही थी ब्रश से, क्योंकि कपड़े भी जो है वो किरकल के हो जाएंगे फिर। मैं तो अपने कपड़े वपड़े धुल रही हूँ और अंकल जी और ये जो बाहर एक बरामदा है छोटा सा उसको साफ़ कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी ईंटें और बहुत सारा कबाड़ इकट्ठा हो रहा था तो उसकी सफाई चल रही है। वीडियो का एंड तो मैं कई दिन बात कर रही हूँ, ये मेरा जो वीडियो है वो मेरा फर्स्ट डे का वीडियो था। तो और क्या है ना, मतलब मुझे टाइम ही नहीं लगा, वीडियो तो मैंने बना ली थी और फिर काम इतना ज़्यादा हो गया आगे आगे कि मैं प्रॉपर आप लोगों से बातचीत भी नहीं कर पा रही थी। आप भी तो आप लोग देख भी रहे होंगे मेरे पीछे, मैं बस इतना ही दिखा रही हूँ। पेंट हो गया है पूरे घर में, फिटिंग का काम भी, बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो हो चुकी हैं। अभी आप लोग आगे आगे देखोगे तो आप लोगों को समझ में आएगा कि कितना कितना काम जो है वो घर में हो गया है। और आप लोगों को, आप लोग जो इतना सारा प्यार दे रहे हो, इतना ज़्यादा वेट कर रहे हो मेरी यहाँ की वीडियो का, और मैं वीडियो प्रॉपर नहीं डाल पाई हूँ, अभी ड्रिल मशीन चल रही है। अब
ये होता है, मतलब पूरी वीडियो ख़त्म हो जाती है और मैं पूरी वीडियो में आप लोगों से बात नहीं कर पाती हूँ, वो इसी वजह से कि ठोका पीटी बहुत हो रही है और उससे आप लोग इरीटेट भी हो जाते होंगे, तो इसीलिए मैं वीडियो में ना ज़्यादा बातचीत नहीं कर पाती हूँ। तो चलिए गाइस, फिलहाल मैं इस वीडियो का यहीं पर एंड करूँगी, और अगर आप लोगों को ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, और अच्छे अच्छे और भी अच्छे अच्छे वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। कोई भी आप लोगों का क्वेश्चन है तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं उस कमेंट का आंसर करने की पूरी पूरी कोशिश करूँगी। फिलहाल के लिए आप लोगों से विदा लेते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।